शेरे खुदा अली का लखते जिगर, खातून जन्नत हजरत फातिमा का दुलारा, जन्नत के जवानों का सरदार नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इतिहास में एक अजीम कुर्बानी के तौर पर ता कयामत लिखा जाएगा। ये शहादत अपने नाना के लाए हुए दीन की सरबुलंदी के लिए थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात ताजा दम उम्मत को देने के लिए थी, और ये शहादत उभरते हुए कैसो किसरा जैसे बादशाहत की निजाम को खत्म करके खिलाफत की सुन्नत पर अमल करने के लिए थी। हुसैन न अपने लिए हाकिमियत का तलबगार था, ना ही अपने औलाद के लिए। अगर ख्वाहिश करते तो बाखुदा अपने रब के सामने सिर्फ एक बार हाथ फैलाना था और ता कयामत बादशाहत अपने और अपने औलादों के लिए ले सकता था। हकीकत तो ये है कि वो लोग सुन्नत पर मरमिटने वाले लोग थे। खिलाफत का बागडोर चाहे किसी के हाथ में भी हो, लेकिन हो किताब व सुन्नत के मुताबिक। वह तो ये चाहते थे, अल्लाह के दीन को नाफिस करने की खातिर अपनी जानों की नजराना पेश करने वाले लोग थे। आज हमें उन अजीम लोगों की शहादत से हक व बातिल की सबक लेनी चाहिए थी, ना कि ढोल डीजे की इन्होंने महफिल लगाना चाहिए थी, और ना ही मुहर्रम के नाम पर डंडे लेकर बंदरों की तरह लफंगेबाजी करने चाहिए थी। हक तो यह है कि उस दौरान ना नमाज की कोई ख्याल और ना ही अजान का कोई एहतराम, जबकि हमें पता है कि हजरत इमाम हुसैन आखिरी नमाज किस तरह तलवारों के साए में अदा किया था, और उसी दौरान जालिमों ने आपको शहीद किया। इस हुरमत वाले महीने का आदाब आजकल के नौजवान इस तरह भुला देंगे, बस यही देखना बाकी था।